दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीता रोमांचक मुकाबला, रचा इतिहास। इस खिलाड़ी को मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2021 का 19वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जिसमें दोस्तों चेन्नई की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, चेन्नई की जीत के बाद कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, साथ ही में इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2021 का 19वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया। दोस्तों इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिले। वहीं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं दोस्तों आरसीबी ने गेंदबाजी की कमान संभाली। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर मैदान पर उतरे। फाफ डुप्लेसिस शुरुआत से ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी इनका भरपूर साथ देते हुए नजर आए। दोनों ही खिलाड़ियों ने पावर प्ले में जमकर रन बरसाए और देखते ही देखते इन खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। वहीं दोस्तों सीएसके ने पावर प्ले के 6 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए रन बनाए। अब दोस्तों फाफ डुप्लेसिस के साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे थे। दूसरी तरफ आरसीबी की टीम के गेंदबाज विकेट लेने में छटपटा रहे थे। दोस्तों विराट कोहली गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब नहीं हो रहा था। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी अब अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से आरसीबी को पहला विकेट दिलाया और ऋतुराज गायकवाड़ 33 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ दोस्तों चेन्नई की टीम ने 10 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 83 रन बनाए। दोस्तों फाफ डुप्लेसिस अब भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे थे। अब दूसरी तरफ सुरेश रैना भी आते ही ताबड़तोड़ रन बरसाना शुरू कर दिए। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी तेजी से रन बना रहे थे। इसके बाद 14वें ओवर में फाफ डुप्लेसिस ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसी ओवर में तूफानी गेंदबाज हर्षल पटेल ने पहले सुरेश रैना को 24 रन पर आउट किया, उसके बाद फाफ डुप्लेसिस को 50 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों इसके बाद जडेजा और अंबाती रायडू की जोड़ी ने मिलकर 16वें ओवर में जमकर रन बटोरे, लेकिन हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के सामने सीएसके के बल्लेबाज डेट ओवर में पस्त हो गए थे। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने किफायती ओवर फेंका, तो वहीं पर 18वें ओवर में हर्षल पटेल ने अंबाती रायडू का विकेट लिया। दोस्तों 19वें ओवर में 9 रन बटोरे, लेकिन दोस्तों 20वें ओवर में जो हुआ वह आईपीएल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। जी हां दोस्तों, अंतिम ओवर में रविंद्र जडेजा ने 1 नो बॉल समेत 3 गेंद पर 4 छक्के जड़ दिए। अंतिम ओवर में जडेजा ने 5 छक्के और 1 चौका जड़ा और सीएसके की टीम ने अंतिम ओवर में 37 रन बटोर लिए। दोस्तों यह आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा ओवर है और दोस्तों यह ओवर आरसीबी के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हर्षल पटेल ने फेंका। इसी के साथ दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना लिए। वहीं दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को 192 रनों का लक्ष्य मिला। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली और देवदत्त पड़ीकल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों देवदत्त पड़ीकल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को शानदार और धमाकेदार शुरुआत दिलाई। आरसीबी ने 3 ओवर में 44 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली 4थे ओवर में 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अगले ओवर में देवदत्त पड़ीकल भी 34 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों पावर प्ले के 6 ओवर में आरसीबी ने 2 विकेट गंवाकर 64 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर भी 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 8वें ओवर में जडेजा ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से मैक्सवेल को 22 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं दोस्तों अगले ही ओवर में डेनियल क्रिश्चियन बदकिस्मती से 1 रन पर आउट हो गए। आरसीबी की टीम की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और दोस्तों 10 ओवर में बैंगलोर की टीम ने 5 विकेट गंवाकर 83 रन बना लिए थे। वहीं दोस्तों आरसीबी को अब आखिरी 60 गेंदों में 109 रन चाहिए थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों एबी डिविलियर्स भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों आरसीबी की बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगले ही ओवर में इमरान ताहिर ने हर्षल पटेल को भी आउट कर दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों आरसीबी की टीम अब ऑल आउट के कगार पर पहुंच चुकी थी। आरसीबी का 8वां विकेट नवदीप सैनी
के रूप में गिरा और 215 ओवर में बेंगलोर की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए थे। अब दोस्तों 16वीं ओवर की आखिरी गेंद पर ड्वेन ब्रावो ने जेमिसन को आउट कर दिया और दोस्तों कुछ इस तरह से यहां पर चेन्नई की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीत लिया। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के जीत के बाद कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के जीत के बाद रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। आज के इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया है। 28 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 62 रन की तूफानी पारी खेली है। साथ ही में दोस्तों गेंदबाजी में भी रविंद्र जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए आप सभी को बता दी कि 4 ओवर में महज 13 रन देकर 1 ओवर मेडन डालकर 3 विकेट हासिल किए हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। इसमें दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की जीत को लेकर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों उसके बाद घंटे वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।